ऊपर ला दो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको सफ़ेद आंकड़े के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये राज अर्क है, श्वेत अर्क बोलते हैं इसको। इसके अंदर श्वेत वर्ण के ऐसे फूल आते हैं और ये फूल खिलने के बाद इसके अंदर एक प्रकार की लौंग पाई जाती है जो कि श्वास और अस्थमा की सबसे उत्तम दवाई है। इसके अंदर एक लौंग निकलती है, इस प्रकार से हम निकालेंगे तो इसमें एक लौंग निकलेगी अंदर से। ये लौंग यदि आप डेली एक निकलते हैं तो ये बहुत ही उत्तम श्वास में काम करती है। इसका जो गुण है दोस्तों, इसके फूलों में जो गुण है, जो वीर्यवर्धक है, ये रेचक है, श्वास को नष्ट करने वाला है, बवासीर को मिटाने वाला है। इसके अंदर कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसके ये पत्ते होते हैं, ये चिकने और दूसरे आंकड़े की अपेक्षा मोटे होते हैं। दोस्तों इसके पत्ते पकने के बाद पीले कलर के हो जाएंगे। उन पीले पत्रों को आप एकत्रित कर लीजिए और एक मटके के अंदर थोड़ा सा सेंधव लवण डाल करके, अब उस मटके का मुंह बंद करके उसको छानों के कंडों की अग्नि में फूंक दीजिए। उससे आपको एक काले रंग की भस्म प्राप्त होगी। वो भस्म पीलिया की सर्वोत्तम दवा है। वो जो भस्म है उसको आप 1 से 2 ग्राम की मात्रा में यदि किसी पीलिया ग्रस्त व्यक्ति को देंगे तो पीलिया उसका 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएगा। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति को श्वास की या दमा की बीमारी है तो आप इसकी जड़ का जो ऊपर का छाल होती है, जो बक्कल होता है, उस बक्कल को निकाल करके छाया में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसकी 1 से 2 ग्राम की मात्रा, वैसे कम ही देना चाहिए क्योंकि बहुत तीक्ष्ण है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो आप इसकी 1 ग्राम की मात्रा यदि किसी श्वास वाले रोगी को देते हैं, सिर्फ आपको 21 दिन तक देना है तो उसका श्वास जड़ से खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, मगर मैं कहता हूँ यदि आप नियम से और संयम से इसकी जड़ की छाल का उपयोग करते हैं तो अस्थमा और दमा बिल्कुल जड़ से चला जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हाथी पाँव का रोग हो गया है तो वो व्यक्ति रविवार के दिन इसकी जड़ को निकाल करके यदि काले धागे के साथ अपने पाँव में बांधे जहाँ पर हाथी पाँव हुआ है, तो वो हाथी पाँव भी धीरे धीरे अपने स्थान को पुनः लौट जाता है। दोस्तों अब मैं इसके कुछ दिव्य गुण बता रहा हूँ। वैसे इसका नाम अर्क है। ये आँखों की रोग को दूर करने की सबसे सर्वोत्तम दवा है। लोग डरते हैं कि इसके आज का दूध अगर हमारी आँखों में लग जाएगा तो हमारी आँखें फूट जाएगी, मगर मैं आपको इसके दूध का कैसे दिव्य गुण बताने जा रहा हूँ जिसको आप बड़े गौर से सुनिए। इसके दूध को आप सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व निकाल लीजिए और शुद्ध नादन वर्ण जो पेड़ में उगती है रुई, उस रुई में उस दूध के साथ उस रुई को भिगो लीजिए। उस रुई को भिगोने के बाद उसको सुखा करके आप उसका साफ बर्तन में काजल बनाइए। दोस्तों वो काजल यदि आप नित्य नियम से सुबह और शाम को अपनी आँखों में लगाते हैं तो मोतियाबिंद, आँख का फोला, कांच की सबसे सर्वोत्तम दवा है। ये तो रही औषधीय गुणों की बात, अब आइए मैं आपको इसके तांत्रिक गुण बताता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जब आंकड़े का वृक्ष 14 साल का हो जाता है तो इसके नीचे गणपति स्वयं प्रकट होते हैं। ये दिव्य रत्नों से भरा हुआ एक वृक्ष है। ये एक ऐसा जादुई वृक्ष है, ऐसा दिव्य वृक्ष है जो आपके अन्न धन भंडार को भरा रखता है। दोस्तों 14 साल के बाद जब ये 30 वर्ष का हो जाता है तो इसके नीचे शिवपिंडी निकलती है। मित्रों आइए इसको निकालने का, इसके गणपति को प्राप्त करने का जो विधान है मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम कभी भी जिस दिन रविवार को पुक नक्षत्र पड़े उसके एक दिन पूर्व शनिवार की संध्या समय पर पीले चावल, उड़द के दाने, सिक्का, मूली और एक दीपक, अगरबत्ती और एक लोटा जल, सर्वप्रथम आप एक लोटा जल ले जा करके आंकड़े के वृक्ष को स्नान कराइए। उसके बाद 2 अगरबत्ती लगा करके, दीपक जला करके, अपने हाथ में उड़द के दाने और पीले चावल लेकर के निमंत्रण दीजिए कि हे वृक्षराज, मैं आपको प्रातःकाल कल लेने आऊँगा। आप जैसे आपने राजा रामचंद्र के कार्य सिद्ध किए हैं उसी प्रकार मेरा कार्य सिद्ध करना। यह निमंत्रण देकर के आप घर को लौट आइए। सुबह प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व आप, जब तक सूर्य नहीं उदय उसके पहले पहले आपको ये जड़ लेनी है। जाकर के किसी कुदाली से, वो कुदाली आप बनाएंगे या तो खेर की बनवा लीजिए, अन्यथा लोहे का भी ठीक है, वैसे लोहे का उपयोग नहीं किया जाता। आप जब इसको खोदेंगे तो इसके अंदर आपको गणपति स्वयं मिलेंगे। उन गणपति को आप घर पर ला करके कच्चे दूध से स्नान करा करके, प्राण प्रतिष्ठा करके आप उनकी पूजा कीजिए। उनकी पूजन का भी एक विधान है। यदि आप चाहें तो चावल का नवेद और श्वेत कंठकारी का पुष्प यदि आप उस गणपति प्रतिमा पर चढ़ाते हैं तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको भगवान गणपति के आशीर्वाद से प्राप्त ना हो सके।
सर्वप्रथम एक बात और कहना चाहता हूँ, यदि आपको श्वेत अर्क कहीं किस्मत से मिल जाए और 12 वर्ष का ना मिले, तो आप इसी विधान से उसकी जड़ को निकाल करके लाइए और बिना बोले किसी मंदिर में जहाँ हाथी की प्रतिमा बनी हो, अन्यथा कहीं हाथी मिल जाए, कहीं महावत मिल जाए, तो उससे पहले ही बात करके रखिए, उसके मस्तक पर बैठ करके उस जड़ में गणपति की शक्ल की एक प्रतिमा बना लीजिए। दोस्तों, वो प्रतिमा भी उसी प्रकार काम करेगी जैसे ये गणपति काम करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बेल बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।